टीवी फैक्ट्री टास्क से पहले दिव्या अग्रवाल और शमिता सेट्टी के बीच में काफी भयानक झगड़ा देखा गया था। उन दोनों ने एक दूसरे से इतनी लड़ाई की थी जिसे देखकर ये लग रहा था कि अब ये दोनों कभी भी किसी भी टास्क में एक दूसरे का साथ नहीं देने वाले हैं, बल्कि जब एलिमिनेशन की बारी आएगी तो दोनों एक दूसरे को जरूर एलिमिनेशन राउंड में भेजेंगे। लेकिन बीवी फैक्ट्री टास्क में जो हुआ वो देखकर आपको भी हो जाएंगे शॉक। जी हाँ, आप भी हो जाएंगे शॉक शमिता सेट्टी का बिहेवियर देख के दिव्या अग्रवाल के प्रति। वेल, क्या है ये पूरी खबर, चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि दिव्या अग्रवाल और शमिता सेट्टी का झगड़ा तो हो गया था, लेकिन बीवी फैक्ट्री टास्क में उन दोनों के रिलेशनशिप को देखकर और उन दोनों के अंदाज को देखकर आपको नहीं लगेगा कि उन दोनों का झगड़ा रियल है। जी हाँ, वेल, आपको बता दूं कि शमिता सेट्टी सभी कंटेस्टेंट्स के डोमिनोज को रिजेक्ट करते हुए नजर आती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिव्या अग्रवाल के डोमिनोज को उन्होंने नहीं रिजेक्ट किया। हालांकि जब दिव्या अग्रवाल और जीशान खान दोनों एक नए बॉस लेडी और बॉस मैन के किरदार में नजर आए, तब भी शमिता सेट्टी के चेहरे पर एक भी जरा सिकन नहीं था। जी हाँ, वो काफी खुश नजर आ रही थी और उनकी इस स्ट्रैटेजी को देखकर यही साफ साफ पता चल रहा था कि उन दोनों का झगड़ा महज एक सिर्फ दिखावा है, बल्कि उनके पीछे का गेम प्लान कुछ और है। और शमिता सेट्टी का ये पहले से ही स्ट्रैटेजी था दिव्या अग्रवाल के साथ मिलकर कि वो इस बार दिव्या अग्रवाल और जीशान खान को ही घर के नए बॉस मैन और बॉस लेडी बनाएंगे। वेल, आपको क्या कुछ अंदाजा है इन दोनों के स्ट्रैटेजी प्लान के बारे में और इन दोनों का गेम प्लान कब तक साथ देगा और क्या कंटेस्टेंट बाकी कंटेस्टेंट्स को भी इन दोनों के स्ट्रैटेजी का पता चल पाएगा? वेल, क्या कुछ अंदाजा है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।